नमस्कार, मैं विनोद नाइक, शेफ डॉन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं, हम बनाएंगे नींबू का अचार बनाएंगे नींबू का अचार बनाएंगे। सामग्री देख लेते हैं, राय, अदरक, हल्दी पाउडर, मेथी सीड, मेथी के दाने, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और ये ऑलिव ऑयल मैंने लिया है, कुछ करी पत्ता लीव्स, और ये सी सॉल्ट। अब बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने नींबू को अच्छी तरह से धो लेना है, इसमें कूड़ा कचरा जो भी होगा वो निकल जाना चाहिए। अब इसको स्टीम करते हैं। तो ठंडी में मैंने पानी डाला, पानी के ऊपर मैं छन्नी रखूंगा, छन्नी में नींबू रखूंगा, उसको स्टीम कर लूंगा। ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 12 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 12 मिनट पकाना है इसको, हल्का सा पकाना है इसको। स्टीम हो गया अपना नींबू, अब इसको हम लोग काट लेते हैं। अभी काटना कैसे हैं वो आप देख लो, इसको डाइस कट कहते हैं, इसको डाइस कट कहते हैं। इस तरह से हमने इसको नींबू को काट लेना है। इसको मैंने एक बॉल में डाल दिया, अभी नींबू पर मैंने अभी वो सी सॉल्ट डाल के इसको मैरिनेट करूंगा। मिला लेते हैं इसको अच्छी तरह से। अदरक काट लेते हैं, अदरक को हमने छोटा छोटा काट लेना है। हरी मिर्च काटेंगे, हरी मिर्च इसमें डालेंगे, तो इसको मिला लेंगे। अब मसाला तैयारी करते हैं, मसाले की तैयारी करते हैं। तो मेथी के दाने मैंने डाले पहले, जिसको मैं भून लूंगा। हल्का सा कलर आ गया तो बस अपना काम बन गया, कलर आ गया है। मेथी के दाने उड़ रहे हैं ऐसे, फुटफट पर फट रहे हैं, निकाल लेते हैं इसको। अब डालेंगे राय, राय जैसे ही फटने लग गया तो राय निकाल लेते हैं। देख रहे उड़ रहा है, तैयार है। अब सूखा मिर्च भून लेते हैं, हल्का सा इसको भूनना है, हल्का सा कलर चाहिए हमको। बस कलर आ गया, मिर्ची हो गया। अब इसको हमने पीस लेना है, ड्राई पीस लेना है, बिना पानी के इसको पीस लेना है, पाउडर बनाएंगे। ये अपना मसाला तैयार, अचार बनाने के लिए मसाला हो गया तैयार। अब एक पतीले में तेल डालकर इसको गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब राय डालूंगा। राय डाल दी मैंने, हल्दी पाउडर डाल दिया, अचार का मसाला डाल दिया जो हमने बनाया था अभी। बस गैस कर दो बंद, क्योंकि मसाला ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, सिर्फ हमको तड़का देना था, सिर्फ हमने उसको तड़का देना था, इसलिए हमने उसे पकाया। अब हम लोग उसमें नींबू डालेंगे और इसको मिला लेंगे। स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। ये अच्छी तरह से मिल गया अभी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसको रख दूंगा, एक हफ्ते के बाद इस्तेमाल करूंगा। तो हमने एक हफ्ते के बाद इस्तेमाल करना है,
मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि अभी फ्रिज में रखा हुआ है। इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, यहाँ पे बहुत ठंडा वेदर है, अभी फिलहाल 4 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके लिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। ऐसा रहा है कि फ्रिज में रखा हुआ है इसको, पर ये मेरे किचन में ही रखा था मैंने इसको। एक हफ्ते के बाद हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो मैं स्टोर कर देता हूँ ग्लास जार में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।